पे हम लोग जब फ्यूचर लॉट बाई करते हैं तो अपने को यहाँ पे लगता है कितना 1,49,492 रुपीज़। उसी जगह पे जब हम लोग ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो 14,375 में मिल जा रहा है। यानी कि फ्यूचर लॉट इतना महंगा और ऑप्शन इतना सस्ता क्यों मिल रहा है, डिफरेंस क्या है? अगर इतना ही सस्ता है तो हम लोग ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करेंगे, फ्यूचर में क्यों नहीं करेंगे? डिफरेंस कहाँ पे आता है कि फ्यूचर लॉट में 1 रुपया वहां पे मूव किया तो 1 रुपीज का फ्यूचर लॉट में भी मूवमेंट मिल जाता है, लेकिन ऑप्शंस का मूवमेंट किसके हिसाब से आता है? डेल्टा के हिसाब से आता है, क्लियर है? यानी कि अगर आपका डेल्टा 50 पैसा का है जो स्ट्राइक प्राइस लिया है, बैंक निफ्टी वहाँ पे 100 रुपीज ऊपर जा रहा है तो फ्यूचर लॉट में 100 रुपीज का मूवमेंट आया, लेकिन आपका ऑप्शंस में कितना रुपये का मूवमेंट है? 50 रुपया का। उसी जगह पे अगर आपका डेल्टा 60 पैसा है, ठीक है, 60 पैसा का अगर आपका डेल्टा है तो आपको मूवमेंट कितना मिलेगा? 100 पॉइंट्स अगर बैंक निफ्टी वहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे आपको 60 रुपीज का मूवमेंट होगा। यानी कि ये जो प्राइस है 332, इसमें क्या होगा? 60 रुपीज ऐड हो जाएगा। साथ ही साथ ऑप्शंस में क्या होता है कि इसमें टाइम डिके होता है, जैसे जैसे ये एक्सपायरी के पास जाएगा इसका वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। जितना आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो सब क्या होगा? एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो जाएगा। तो ये सब डिसएडवांटेज ऑप्शंस का जो फ्यूचर लॉट में प्रीमियम डिके नहीं होता, लेकिन ऑप्शंस में प्रीमियम डिके होता है।